उधर गुहाना के आहुलाना गांव स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल के सरकारी पेट्रोल पंप पर लाखों के गबन का मामला सामने आया, जहां काम करने वाले एक सेल्समैन पर 18,82,000 रुपए का गबन करने का आरोप लगा है। गोहाना के अहुलाना गांव स्थित चौधरी देवीलाल सहकारी चीनी मिल के सरकारी पेट्रोल पंप पर लाखों के गबन का मामला सामने आया है, जहां काम करने वाले एक सेल्समैन पर 18.82 लाख रुपए के गबन करने का आरोप लगा है। घोटाले का खुलासा तब हुआ जब पेट्रोल पंप प्रबंधक ने सितंबर महीने के हिसाब का मिलान किया, तब इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद प्रबंधक ने आरोपी सेल्समैन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जाँच कर रहे गोहाना के ACP ऋषिकांत ने बताया कि गाँव अहुलाना निवासी अमित कुमार पेट्रोल पंप पर बतौर सेल्समैन कार्य था, जिसका काम पेट्रोल और डीजल की बिक्री से प्राप्त राशि को मिलके साथ लगे बैंक खाते में जमा करना था। जब सितंबर माह की बिक्री और बैंक खाते का मिलान किया गया तो पता चला कि पेट्रोल की बिक्री से 6,51,231 रुपये और डीजल की बिक्री से 12,31,081 रुपये बैंक खाते में जमा नहीं कराए गए। सेल्समैन अमित कुमार 18 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद आ रहा था। सुरेंद्र सिंह है, ये इंचार्ज हैं शुगर मिल के, और शुगर मिल के अंदर एक पेट्रोल पंप लगा हुआ है। सुरेंद्र इंचार्ज की तरफ से एप्लीकेशन हमारे को मिली थी बरोदा थाने में कि कोई अमित कुमार है, अमित कुमार सन ऑफ तेजपाल, ये भी आहुलाना गांव का रहने वाला है। ये सेल्समैन था पेट्रोल पंप पे, और इसने माह सितंबर 2024 से लेके और अभी तक 18,82,312 रुपये जो पेट्रोल और डीजल की सेल के थे वो इसने खाते में जमा नहीं कराए, और उन पैसों को लेकर के ये यहाँ से भाग गया है। इंचार्ज सुरेंद्र की तरफ से एप्लीकेशन मिलने पर हमने FIR दर्ज कर दी है। अभी जो एक्यूज्ड है वो भागा हुआ है अमित कुमार, जल्दी ही अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। गोहाना से सुनील जिंदल, टोटल न्यूज़।